हेलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियो पर आप किस तरीके से यहाँ पर थंबनेल लगा सकते हो। तो दोस्तों, आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आपको YT स्टूडियो में अगर यहाँ पर अकाउंट लॉगिन है तो अकाउंट लॉगिन कर लेना। इसके बाद में दोस्तों YT स्टूडियो में अपने वीडियो को यहाँ पर जैसे कि आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद में अब बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। YT स्टूडियो में आने के बाद में आपको कोई सा भी अपना वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सा भी वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में किसी वीडियो पर सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं एडिट का, शेयर का और यूट्यूब पे जाने का। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर एडिट पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद में आपको कई ऑप्शन जैसे कि अपना वीडियो जहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है वो सभी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको टैग डालना होता है। यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट पे आप अगर प्लेलिस्ट बना रखी है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट जोड़ सकते हो। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। इसके साथ में आपको थंबनेल पर यहाँ पर जैसे कि मेरा थंबनेल लगा रखा है, इसके साथ में टाइटल लिख देना होगा। अगर थंबनेल चेंज करना हो तो आपको यहाँ पर एडिट पर टैप करना होगा। आपके सामने जैसे कि यूट्यूब की यहाँ पर थंबनेल आ चुकी है, जैसे कि मुझे मेरी खुद की बनाई हुई यहाँ पर थंबनेल लगानी है तो आपको यहाँ पर चेंज पर टैप करना होगा। चेंज का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपके सामने अपना यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो जाता है, इसमें से आप किसी भी थंबनेल को आप लगा सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर टैप करके आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा था। यहाँ पर पिक्चर्स का यहाँ पर और डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड पर सभी फाइल मेरी आ जाती है। इसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्चर्स पर यहाँ पर टैप करता हूँ तो मेरे पास में सभी फोल्डर आ जाते हैं। फोल्डर में से आपका जहाँ पर भी बनाई गई है, जैसे कि मैं पिक्सल ऐप से बनाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर रखी हुई है फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि किसी भी फ़ोटो को यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। तो वापस मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना। आप यहाँ से किसी भी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में ओपन पर टैप करोगे, ओपन पर टैप करते ही आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इस थंबनेल को फिर से आपके पास में यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर सेव कर देना होगा। सेव पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर वीडियो के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि थंबनेल लग चुका है। आपके यहाँ पर जो भी थंबनेल लगाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे इस तरीके से आप यहाँ पर थंबनेल लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी यहाँ पर थंबनेल लगा रखी है। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी यहाँ पर थंबनेल लगा के आप वीडियो बना सकते हो और अच्छे खासा आप व्यूज पा सकते हो। तो ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।